बीदर और हुमनाबाद से आज हमारी एक छोटी सी टीम यहाँ गुलबर्गा आई है। दरअसल हैदराबाद कर्नाटक का इलाके में जो पिछले 5 साल से एक मुस्लिम लीडरशिप से महरूम हो चुका है ये इलाका, बीदर में भी हमने एक दफ़ा 1994 में एक स्टेट लेवल लीडर दिया था स्टेट को, जुल्फ़िकार हाशमी साहब की शक्ल में, लेकिन दोबारा हम फिर से उन्हें जिताने में नाकाम रहे। लेकिन आज और उसके बाद हम गुलबर्गा की तरफ देखा करते थे कि गुलबर्गा की आवाम ही एक ऐसी आवाम है जो सारे इलाके हैदराबाद कर्नाटक के लिए एक मजबूत लीडरशिप देती आई है और जिनका मिजाज ही इस तरह का है कि वो मजबूत लीडरशिप को ही देते हैं। और वो एक यहाँ का एक MLA सारे इलाके हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमानों की आवाज़ बनकर हर जगह दिखाई दिया करता था। लेकिन पिछले 5 साल में ये जो रिवायत गुलबर्गा के लोगों की थी, अफसोस होता है ये रिवायत टूट गई। अब हम खुद ये चाहते हैं कि बीदर में चूँकि हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस मौजूद नहीं है कि इस तरह की लीडरशिप हम इस इलेक्शन में दे सकें, लेकिन चूँकि गुलबर्गा के अवाम के पास एक बेहतरीन मौका है, एक नौजवान हरकियाती कायद जिसका दिल धड़कता है तो कुचले दबे और मजलूम तबकात की जो है के लिए धड़कता है, और जिसने हर वक्त ये साबित किया है कि इस बंदे में खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं है और ये कॉम्प्रोमाइज़ पर विश्वास नहीं रखता, निडर बेबाक और आवाम के लिए लड़ने वाला ये लीडर। तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम भी यहाँ पर आएँ, 2-4 कदम इनके साथ इनकी पदयात्रा में शामिल रहें और हम अपनी तरफ से भी कोशिश करें। गुलबर्गा की आवाम से हमारी अपील है
कि आज का ये जो मौका है 2023 का इलेक्शन, ये दरअसल आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप एक मजबूत लीडरशिप से यहाँ से दें। और इवन बीदर की आवाम भी, मैं जानता हूँ कि अगर यहाँ पर इन्हें जिताया जाता है तो बीदर की आवाम भी ममनून व मशकूर रहेगी। दरअसल गुलबर्गा की आवाम का ये इमेज रहा है हमेशा से, कहा भी जाता है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम के बारे में अगर जानना हो तो आप उनके इलेक्टेड लीडर को देख लीजिए, क्योंकि लीडर जो होता है वो यहाँ के आवाम की अक्कासी करता है। तो आप लोग फाइटिंग स्पिरिट रखने वाले लोग हो, लीड करने वाले लोग हो, इस बार नासिर हुसैन जैसे उस्ताद जैसी शख्सियत को आगे बढ़ाइए। तमाम हैदराबाद कर्नाटक इलाके के आवाम की नज़रें आप पर हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आप इनका साथ देंगे और एक यहाँ से मज़बूत आवाज़ इंशाल्लाह असेंबली में भेजेंगे।